सो और भाई लोग यार आ चुके को न्यू जबरदस्त फुल स्किन नया मार्ट वीडियो स्टेटस का ट्यूटोरियल लेकर के एंड गई सर। आज की इस वीडियो में बनाने वाले कुछ इसी तरह का स्टेटस जो कि होने वाला बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड यार होने वाला नेक्स्ट लेवल। सो गई सर मैं सिंपली करने के सबसे पहले गई सर मैं सिंपली विदाउट वाटरमार्क काइन मस्ट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा। तो गई सर उसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको सिंपली इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गई सर मैं इसका जो एक और न्यू वर्जन का जो लिंक है वो गई सर मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया। एंड गई सर ऑल वीडियो का जो फ्री मटेरियल लिंक रहता है सर वो मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराने लगा हूँ। सो और आप वहाँ पर जाकर के मुझे फॉलो कर लो एंड जब भी कोई वीडियो डालता हूँ उसका अपडेट वहाँ पर मिल जाता है एंड उसका मटेरियल भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। सो यार काफी सही चीज़ लगती है मुझे क्योंकि यार यहाँ पर जो एड वाले मटेरियल से डाउनलोड करने से बेटर वो वाला मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस आप वहाँ पर जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइस सर मुझे इंस्टाग्राम पर गाइस अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप वहाँ पर भी चले जाओ, वहाँ पर भी गाइस सर हम लोग जो एंजॉय करेंगे सो प्लीज़ वहाँ पर भी जाना। सो प्रमोशन करते हैं बंद। अब कैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई हम ऐसा स्टेटस कैसे बनाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कैसे बना सकते हैं। तो सर यहाँ पर हमें सबसे पहले करने के सबसे पहले हमें सिंपली काइनमस्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद प्लस पर टैप करना एंड यहाँ पे 9 to 16 का को सिलेक्ट कर लेना क्योंकि भाई यार यहाँ पर हम फुल स्क्रीन का स्टेटस बनाने वाले, ठीक है। अब भाई सर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है। पहले सबसे पहले हमें सिंपली करने के बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद हमें सिंपली करने के इसका साइज जो कि हमें इस तरह से बड़ा कर लेना है, ठीक है, कुछ यहाँ पे। ओके सर यहाँ पर कैसे हम इसका जो साइज है वो कैसे हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो सॉन्ग है वो हमें यहाँ पर पहले ले लेना है क्योंकि सर यहाँ पर जो मतलब स्टेटस बनाने वाले वो बनाने वाले सॉन्ग के हिसाब से, ठीक है। सिंपली मैं उस वाले जो सॉन्ग है उसके मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो सर यहाँ पर मैं सिंपली करूँगा इससे जो एक्स्ट्रैक्ट ऑडियो कर लूँगा एंड इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूँगा। सो सर हमें सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा स्टेटस बनाना है, ठीक है, जहाँ तक सर हमारा यहाँ पर सॉन्ग देखने को मिल रहा हो। तो सर मैं एक्स्ट्रा पार्ट कैसे मैं कर दूँगा रिमूव, ठीक है। तो सिंपली ऐसे मैं कर देता हूँ इसे रिमूव एंड इतना पढ़ के सर हमारे काम का, ठीक है। अब हमें सिंपली करने का सबसे पहले हमें जो काम करने का सर यहाँ पे हमें फोटो को ऐड करना है जिस फोटो का हम स्टेटस बनाने वाले। तो सिंपली ऐसे मैं फोटो को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से फोटो को ऐड कर लूंगा। सो सिंपली कैसे मैं फोटो को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब गई सर यहाँ पे जो मेरी फोटो गई सर आ चुकी है, सिंपली यहाँ पर टैप करूँगा फोटो स्क्रीन कर दूँगा। एंड गई सर यहाँ पे जो मतलब मैंने सिंपली फोटो स्क्रीन कर दिया है, अब मैं क्या करूँगा इसका जो लेंथ गई सर वो मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इतना। अब गई सर यहाँ पर मैंने इतना तो कर लिया। अब हमें सिंपली करना क्या है यहाँ पर गई सर हमें सिंपली लेयर पर क्लिक करना है, टेस्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर गई सर सबसे पहले जैसे मैंने लिखा था द एडिटर बॉय, ठीक है। तो सर यहाँ से मैं सिंपली करने का यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं द एडिटर, सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ द एडिटर बॉय, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपली यार मैं जैसे कि यहाँ पर बॉय नहीं लिखता हूँ सर ओनली द एडिटर लिखूंगा एंड उसके सिंपली से मैं बड़ा कर लूँगा, थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और कुछ इस तरह के समय कुछ इतना के समय इसे बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। फोन पे जाना है देन गई सर यहाँ पे कोई अच्छा सा फोन गई सर अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पे इसे ऐड कर सकते हो। सर यहाँ पे मैं जो है ना रोबोट वाला फोन रखूँगा या फिर अदर मैं और देख लेता हूँ सर कोई अच्छा सा फोन गई मुझे देखने को मिला था, ठीक है। बट यार मुझे ये वाला सही लग रहा है तो इसी को रख लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मैं सिंपली डन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रखूँगा तो कुछ इस तरह इतना में, ठीक है। एंड यहाँ से मैं सिंपली करूँगा इसका जो लेंथ है वो भी गई सर मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ एंड सिंपली मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपली इस पर टैप करना एंड थ्रेडर पर क्लिक करना एक डुप्लीकेट लेना एंड डुप्लीकेट गई सर मैं सिंपली फॉन्ट पर नहीं जाना गई सर हमें यहाँ पर क्लिक करना एंड हमें सिंपली करना क्या यहाँ पर एडिटर बॉय जैसे लिख लेता हूँ गई सर आपको अपना नाम लिखना अच्छे से, ठीक है, जैसा आप लिखना चाहते हो वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एडिटर बॉय एंड सिंपली मैं डन कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर सिंपली मैं करूँगा कुछ इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ कुछ इतना। सो गई सर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है गई सर दोनों को जो है ना थोड़ा सा गई सर आपको इस तरह से साइड में रख लेना है कुछ यहाँ पर कुछ इतना, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है यहाँ पर गई सर सबसे पहले आपको सिंपली सॉन्ग को पहले प्ले करना एंड गई सर आपको एक टिक मार्क करना। तो गई आपको पहले ध्यान से, ठीक है। तो गई सर यहाँ पर माइक को पहले रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पर मैं टिक मार्क को इनेबल कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो गई सिंपली से मैं रिमूव करता हूँ फिर। सो गई सर यहाँ पे गो बोलते गई सर हमको सिंपली ऊपर इस तरह से टैप कर देना, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है गई सर यहाँ पे जो हमने टैप तो कर लिया अब हमें सिंपली करने का यहाँ पे आना सामने की तरफ इसमें हमें सिंपली टैप करना है एंड उसके बाद हमें सिंपली की पर टैप करना है, ठीक है। की पर टैप करने के बाद हमें सिंपली करने का जहाँ पर हमने टिक मार्क किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर हमें सर इस तरह से टिक मार्क करना एंड उसके बाद सिंपली प्लस पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपली करने के इसको जो कहीं हमें थोड़ा सा इस तरह से मतलब सामने की तरफ लेकर के आना कुछ इतना, ठीक है, कुछ इतना ओके। और उसके बाद सिंपली हमें डन कर देना फिर कैसे हमें सिंपली बैक आना इस पर टैप करना है की पर क्लिक करना है आगे की तरफ जाना एंड उसके बाद हम सिंपली करना है कि जहाँ पे किसी हमने टैप किया हो उस पर टैप करना एंड हमें प्लस पे क्लिक करना, ठीक है। और इसी कैसे हमें सिंपली करना है कि इस तरह से हमें लेकर के आ जाना थोड़ा सा पास पे रखना कुछ इतना, ठीक, कुछ यहाँ तक ओके सर ज़्यादा भी नहीं कुछ इतना हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपली करना है कि हमें आगे की तरफ आना एंड हमें सिंपली आ जाना है कहीं सर यहाँ पर लास्ट तक, ठीक है, कुछ यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर आ जाना है। एंड हमें सिंपली करना है कि हमें इस तरह पे टैप करना है एंड हमें सिंपली प्लस पे क्लिक करना है और कई सर हमें इस तरह से स्पीड से कई सर हमें जो इसे पूरा इस तरह से यहाँ पर लेकर के आ जाना है यहाँ तक, ठीक है। और हमें सिंपली करना है एंडिंग वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर कहीं से हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है और सिर्फ कहीं सर हमें एंडिंग तक पूरा का पूरा इस यहाँ से हमें पूरा खत्म कर देना कुछ यहाँ तक, ठीक है, कुछ इतना ओके। और सिंपली हमें इसे डन कर लेना। सो गाइस अब यहाँ पर देख पा रहे कुछ इस तरह से हमारा बन चुका स्टेटस, जैसे मैं थोड़ा सा प्ले कर लेता हूँ। तो वही सर आप यहाँ पर देख पा रहे कुछ इस तरह की सर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही सर यहाँ पर मैं सिंपली करने के यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट काम भाई सर वो अब आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं सिंपली करने के सर यहाँ में जो ना सिंपली फोटो पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, ब्रैंक टू फोन कर लेना है एंड उसके बाद हमें सिंपली करने के यहाँ पर सिंपली हमें जाना नीचे ब्लेंडिंग पे, ओके। तो ब्लेंडिंग पे जाने के बाद हमें सिंपली डार्क सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो वही सर यहाँ से जो मैंने मतलब सिंपली यहाँ से डार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड डार्क सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सिंपली प्ले करता हूँ। अब यहाँ पर देखता हूँ गाइस सर यहाँ पर मैं सिंपली करने का इस यहाँ पर थोड़ा सा मतलब स्लो लग रहा है मुझे, तो गाइस मैं क्या करूँगा सिंपली की पर क्लिक करूँगा एंड ऐसे पहले मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो गाइस मैं की पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं हटा लेता हूँ पहले, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा गाइस सर जैसे गो बोलते गाइस सर मैं यहाँ तक इसे रख लेता हूँ, ठीक, कुछ इतना ओके यहाँ तक ओके। एंड उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं की पर क्लिक करूँगा एंड कुछ इतना स्पीड से गई सर मैं इसे लेकर के आ जाऊँ कुछ इतना, ठीक है ओके यहाँ तक। बाकी यार मैं सिंपली इस पर टैप करूँगा और सिंपली मैं की पर क्लिक करूँगा और सिंपली इस पर टैप करूँगा और उसको सर मैं कुछ यहाँ तक जो इसे रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली आगे की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ जाने के बाद सिंपली मैं इस पर टैप करूँगा और सेकंड पर टैप करूँगा और की पर क्लिक करूँगा, इस पर भी गई मैं टैप कर दूँगा। अब मैं सिंपली करूँगा इसको इस तरह से बड़ा कर लूँगा कुछ इतना और मैं सिंपली सेकंड पर क्लिक करके गई सर मैं इस पर की पर क्लिक करके जो इसको भी जो पूरा पूरा यहाँ तक खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब गई सर हम सिंपली फिर से प्ले करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या। तो गाइस सर अब जो ना बिल्कुल ऑसम एंड गाइस सर पूरा फिट बना है एंड ऐसे में गाइस सर स्टेटस बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लगता है, ठीक है। अब हमें गाइस सर यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स वगैरह ऐड करना है। सो गाइस सिंपली मैं कंप्यूटर पहले गाइस यहाँ से मैं टेम्पलेट को ऐड करूँगा, उससे पहले गाइस हम एक फोटो को और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सिंपली लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर, देन गाइस हम जो फोटो स्टेटस बनाना स्टार्ट किया होता गाइस सर हम उसी वाले स्टेटस यहाँ पर लगा लेते हैं। सो गाइस सर यहाँ पर थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सर यहाँ पे जो मतलब मैं अपना गाइस सर माइक यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा गाइस सर आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो गाइस सर यहाँ सिंपली फुल स्क्रीन कर देता हूँ कुछ इस तरह से एंड डन करूँगा एंड सिंपली मैं प्ले करता हूँ तो कुछ इतना होगा गाइस सर यहाँ तक मैं इसे रख लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा क्या सिंपली गाइस सर से जो ब्रैंक टू फ्रंट वाला ही है ना ओके, तो गाइस सिंपली मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। सो इस तरह से हम सिंपली ट्रिमर पे जाएंगे एंड इसे सिंपली दो भागों में कट कर देंगे ओके। एंड थोड़ा आगे जाएंगे और थोड़ा इसे हम सिंपली इस तरह से बड़ा कर लेते हैं और एंडिंग पॉइंट पे गई सर हम यहाँ से इसे रख लेते हैं, ठीक है, कुछ इतना। अब जो सेंटर का पार्ट गई सर उसे हम सिंपली हटा देते हैं, उस पर टैप करेंगे, ये ओवर आलमी से जाएंगे, फ्लिकर इफेक्ट लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम इस पर जाएंगे, इस पर भी गई सेम सिस्टम करेंगे, फ्लिकर इफेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। अब गई सर हम थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस सर से हम थोड़ा सा आगे की तरफ रख लेंगे, ठीक है, इतना ओके। और फ्लिकर इफेक्ट तो लगाइए अपना, ठीक है, कुछ इतना। उसके बाद हमें सिंपली करने का यहाँ पर कुछ टेम्पलेट ऐड करना, ठीक है। तो टेम्पलेट लगा लेता हूँ यहाँ से, सो इसे सिंपली हमें हम करना कि यहाँ पर टैप करना, फुल स्क्रीन कर देना एंड फुल स्क्रीन करने के बाद सिंपली आपको इस पर टैप करना नहीं जाना ब्लेंडिंग मोड पे एंड इसे सिंपली आपको स्क्रीन कर देना, ठीक है। तो यार स्क्रीन करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से पूरा दबंग टाइप के स्टेटस गाइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपली करने के लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पर, देन गाइस सर यहाँ पे हम एक और वीडियो को गाइस हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो सर वो भी कलर ग्रेडिंग वाले, ठीक है, जिसमें गाइस सर इसमें कलर देखने को मिलेगा जो कि यार बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगती है एंड नेचुरल लगती है, ठीक है। सिंपली ब्लेंडिंग पे जाऊँगा एंड इसे गाइस मैं स्क्रीन कर देता हूँ। तो गाइस सर अब आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस सर यहाँ पे आपने देख लिया कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब आपको सिंपली लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पर, देन गाइस सर यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट को सॉरी सर यहाँ पे बॉर्डर वाली पेन जो गाइस हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं यार जो कि बहुत ही ऑसम लगती है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर टैप करेंगे एंड फुल स्क्रीन कर देंगे। सो गाइस सर यहाँ पे लग चुकी है और गाइस सर अब हमारा स्टेट जो है लगभग गाइस सर बन के ही तैयार होने वाला है, बट यहाँ पे गाइस हमें करना क्या है अभी यहाँ पर गाइस सर हमें एक पेन जी को और ऐड करना जो कि गाइस हमारे चैनल का लोगो, अगर गाइस आपके पास नहीं तो आप बना सकते हो एंड कुछ इस तरह से मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक, कुछ यहाँ से, ठीक है। एंड से गाइस मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा जो कि यार बहुत ही ऑसम लगता है, सो कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा इस पर टैप करूँगा एंड इस तरह से इसका जो साइज है सर वो मैं कुछ इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख पाना है।
सो कुछ इस तरह से सर हमारा स्टेटस कंप्लीटली बन चुका रेडी। सो आई होप इस वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक पर क्लिक करना। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और कहीं सर बहुत से लोग बोलते हैं भाई आप एक्सपोर्ट करके क्यों नहीं दिखाते हो, तो आपको सिंपली करना है यहाँ पर टैप करना एंड आप यहाँ से इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो सर कंप्लीटली हो चुका है। ओके सो आज के लिए बस इतना ही।